नमस्कार, मैं एमसी माथुर, माथुर रेडियो लालबाग लखनऊ से एक बार फिर आपके सामने। आज मैं बात करूंगा कॉकलियर इम्प्लांट के ऊपर। कॉकलियर इम्प्लांट एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम लोग बहुत सारे ऐसे कारणों में यूज़ करते हैं, जैसे कि उन लोगों के लिए जिनको हियरिंग एड के ज़रिए सुनने में बेनिफिट नहीं मिल पाता या कान की मशीन लगाने से पूरा फ़ायदा नहीं होता। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कंजेनिटल डेफ होते हैं, जो जन्म से ही नहीं सुन पाते, उनके लिए हमें कॉकलियर इम्प्लांट लगाने की ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कॉकलियर इम्प्लांट एक ऐसा डिवाइस है जो कहीं ना कहीं बच्चे को या बड़े को, जिसको भी लग रहा है, नियर नॉर्मल हियरिंग, मतलब बहुत क्लोज टू नॉर्मल हियरिंग वो देता है। इम्प्लांट की बहुत सारी विशेषताएं हैं जिसके विषय में मैं आपसे बात करूंगा। आज मैं अभी सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं कि हियरिंग एड से आगे भी कुछ है। तो जो लोग ये समझते हैं कि कान की मशीन से उनको सुनाई नहीं देता, उनके लिए कॉकलियर इम्प्लांट्स अवेलेबल हैं। तो मैं ये आपको बता सकता हूँ कि सन 2002 से हम लोग रेगुलर लखनऊ में कॉकलियर इम्प्लांट प्रोग्राम चला रहे हैं, और इसमें हमें पूरी एक टीम की ज़रूरत पड़ती है। उसमें डॉक्टर चाहिए, हॉस्पिटल की ज़रूरत है, ऑडियोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, अकोस्टिशियंस की ज़रूरत है, ताकि हम लोग एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, ताकि हम लोग सब लोग मिलके एक टीम वर्क के साथ इस काम को पूरा कर सकें। कॉकलियर इम्प्लांट आज के टाइम में सबसे आधुनिक यंत्र है जो गूंगे बहरे बच्चों के लिए बहुत कारगर साबित होता है, और उन लोगों के लिए भी जिनको मशीन से फ़ायदा नहीं होता। कॉकलियर इम्प्लांट एक ऐसी डिवाइस है जिसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो किस तरीके से काम करती है। इसमें हमको एक सर्जन की ज़रूरत पड़ती है। वो सर्जन कान का ऑपरेशन करके और कॉकलिया के अंदर, ये हमारे कान का अंदर का हिस्सा है जिसे हम कॉकलिया कहते हैं, और इसके अंदर ही वो मशीन को फिट करता है। एक हिस्सा कान के पीछे रहता है और एक पतला सा तार कॉकलिया के अंदर जाता है। जैसे ही ये काम ख़त्म होता है, उसके बाद हमें कान के ऊपर एक इस तरीके की मशीन लगाने की आवश्यकता पड़ती है जिसको हम लोग स्पीच प्रोसेसर बोलते हैं। इसके साथ एक बैटरी कंपार्टमेंट है जिसमें बैटरी लगती है, और इसको हम चालू करके इस तरीके से कान के ऊपर रख लेते हैं। ये जो मैग्नेट है, ये अंदर वाले मैग्नेट के ऊपर जाके लगता है, और ये प्रोसेसर आवाज़ को पकड़ के और इस ट्रांसड्यूसर के ज़रिए कान के अंदर आवाज़ को पहुंचाता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे बच्चा या बड़ा जो भी लगा रहा है उससे नॉर्मल आवाज़ों को सुन सकता है। मेरे हिसाब से ये आधुनिक टेक्निक, ये एक ऐसा यंत्र है जिससे बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा हो सकता है। हमारी सरकार भी इसमें बहुत मदद कर रही है एडिप स्कीम के थ्रू, और मार्केट में भी ये आसानी से उपलब्ध हैं। बहुत सारे सर्जन्स हैं जो आज के टाइम में कॉकलियर इम्प्लांट का काम करते हैं। लखनऊ में SGPGI, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज और भी प्राइवेट अस्पतालों में कॉकलियर इम्प्लांट का काम शुरू हो चुका है। हम लोगों ने सन 2002 में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में सबसे पहला इम्प्लांट UP के अंदर किया था, और उसके बाद आज तक हम लोग ने मुड़ के नहीं देखा, ये काम आगे भी चल रहा है। इम्प्लांट एक बहुत ही एडवांस टेक्निक है, और उसके हैंडल करने के लिए बहुत सारे अलग अलग मॉडल हैं और अलग अलग उसकी प्राइस भी होगी। अगर आप इसमें देखें तो इसमें अलग अलग तरीके के इम्प्लांट्स यहाँ रखे हैं। ये कान के अंदर लगने वाली डिवाइस हैं, और कान के ऊपर लगाने के लिए भी अलग अलग तरीके की डिवाइस हैं। ये सबसे बेसिक डिवाइस है, उसके बाद इसको हम लोग ओपस 2 कहते हैं, उसके बाद ये सिंक्रनी आता है, और फिर उसके बाद ये सोनेट EAS आता है जिसमें कान के ज़रिए आवाज़ सुनने की भी गुंजाइश है
और इम्प्लांट के ज़रिए काम करने की भी गुंजाइश है। और उसके बाद एक ये जो लेटेस्ट आ रहा है उसको हम लोग रोंडो कहते हैं। ये केवल डिवाइस ऐसी है कि ये केवल यहाँ सर के ऊपर लग जाएगी और इसमें कान के ऊपर पहनने के लिए कुछ नहीं चाहिए और ये रोंडो काम करता है। इसका भी एक और एडवांस वर्जन आ गया जिसको हम लोग रोंडो 2 कहते हैं। तो बहुत सारे एडवांसमेंट हो रहे हैं धीरे धीरे और आगे चल के कुछ ना कुछ एडवांस आता ही रहेगा। ये रिमोट है जिससे हम इनको एडजस्ट कर सकते हैं, अपने पावर बढ़ा सकते हैं, टेलीफोन से कनेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी फैसिलिटी आप इस रिमोट के ज़रिए इस्तेमाल कर सकते हैं।